जो मुख्य आसन है जो रोज करने आपको उन्हीं को करवा रहे हैं, सब कर सकते हैं इनको, एकदम सिंपल जो सब कर सकते हैं वही हमने चयन किया और उसका अभ्यास किया और उसके अनुभव किए, लंबे समय तक उसको देखा, प्रयोग किए स्वयं पर और फिर लाखों करोड़ों लोगों पर, और तभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये इतना योगाभ्यास सफिशियंट है प्रत्येक व्यक्ति को। तो कैसे करना, देखो मंडूकासन, अंगूठा अंदर, उंगलियों पर मुठ्ठियां बंधना, नाभि के दोनों ओर लगाना, और देखो मुठ्ठियां ऐसे पीछे से ऐसी मिली हुई, पीछे से मुठ्ठियां यूं मिली हुई, अंगुलियां मुठ्ठियों की देखो यूं मिली हुई, और मुठ्ठियां नाभि के दोनों ओर ऐसे लगानी है अंगूठे की तरफ से ऐसे, देखो ये अब मुठ्ठियां ऐसे लगानी है, अब इसको तुम यूं भी लगा सकते हो, इसको तुम यूं भी लगा सकते हो, ऐसे नहीं लगानी, ऐसे नहीं लगानी मुठ्ठियां, यूं करके यूं लगानी है नाभि के दोनों ओर, सामने देख लो स्क्रीन के ऊपर, श्वास छोड़ते बाहर, झुकते हैं आगे, तो क्या होता है पूरा श्वास बाहर छोड़ दिया, आगे झुक के रुके थोड़ी देर, फिर वापस, ये पेट के लिए गैस, कब्ज, डायबिटीज, हर्निया, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, इन सब के लिए अच्छा है, और डायबिटीज के लिए विशेष नाभि के दोनों ओर लगाते हैं, देखो मुट्ठियों को यूं, और कमर में दर्द है तो बैठे बैठे दबा देना, देखो बैठे बैठे कैसे दबाएंगे ऐसे, देखो कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, झुको आगे, आप दो दो बार करवा रहे हैं एक अभ्यास को ठीक से समझ करके, फिर वापस, जब आप आगे झुकते हैं ना तो दोनों मुठ्ठियां कहाँ टिक जाती हैं, जंगा ऊपर ऐसे, तब आप आगे झुकते हैं तो पूरा नाभि की धड़कन अंगूठों के पास महसूस होती है आपको, ऐसे झुकते हैं तो। फिर दूसरा अभ्यास देखो, बाएं हाथ की हथेली के बीच में नाभि आ जाएगी ऐसे, दाएं हाथ उसके ऊपर, देखो ऐसे हाथ आएगा, यूं उंगलियों पर उंगलियां नहीं, हथेली पर हथेली ऐसे, ये तरीका होगा, इतना यूं होगा तो आगे झुकेंगे तो पूरा दबेगा पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पूरे बीच का पूरे बीच के भाग की एक्सरसाइज हो जाएगी, हमें यही तो करना है, स्पाइन की एक्सरसाइज करनी है, पेट की एक्सरसाइज करनी है, वो थोड़ी सी आसनों से हो जाती है तो 100 आसन क्यों करना, इन्हीं को 10 बार कर लो, 5 बार कर लो, बढ़ा दो इन्हीं का टाइमिंग तो पूरा लाभ मिल जाएगा, कैसे दबाओ पहले पेट को, देखो पूरा, फिर ऊपर उठो, सांस को पूरा बाहर छोड़ने के बाद झुकना, कमर में दर्द हो यदि तो बैठे बैठे ही कर लेना, आगे ना झुकना, कैसे यदि वज्रासन में ना बैठ सको तो सुखासन में बैठ के कर लेना, वापस झुक जाया करो मेरे भाई, थोड़ा सा आगे झुक के ना छाती घुटनों से ऐसे लगती है, देखो ऐसे, जिनके पेट देवता थोड़े बड़े हैं उनको दिक्कत होगी, देखो सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द है ना, वज्रासन में जो नहीं बैठ सकते घुटनों में ज्यादा दर्द है वो बैठने भी नहीं चाहिए उनको, फिर वो कैसे करें, ऐसे बैठ के ऐसे झुक जाए, वो थोड़ी टिका दें जैसे योग मुद्रासन करवाया था आपको, विशेष रूप से छोड़ दीजिए, तो ये आगे झुकने वाला, ये वज्रासन में जो बैठ के करवा रहा हूँ मैं वो सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं, कहने का मेरा अभिप्राय वो था, अब श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, जो रोज करने अभ्यास वो करवा रहा हूँ अभी आपको, देखो ऊपर श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे, ऊपर उठो एक साथ उठना, देखो ऊपर श्वास बाहर छोड़ते आगे झुकना, हथेली कोने माथा जमीन पर टिकाना, तेरा हाथ ऊपर उठा देना, देखो ऊपर और हाथ साइड से नीचे, ये शशकासन, सूक्ष्म व्यायाम में क्या है, सूक्ष्म व्यायाम में दोनों हाथ सामने खोल लीजिए, 5 अभ्यास ये सर्वाइकल पेन, ये रोज करने वाले अभ्यास बता रहा हूँ आपको, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुठ्ठियाँ बंधी, गोल घुमाई, ये तो प्राणायाम के बीच ही में हो जाते हैं, रिलैक्स भी हो जाते हैं आप, विश्राम भी मिल जाता है और काम भी हो जाता है,
कार्यांतर ही विश्राम है। देखो पूरा यू गोल घुमाना, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुठ्ठियां बंद, यू मिलाना सामने, फिर यूं घुमाना, कोने एकदम सीधी, विपरीत दिशा से भी घुमा देना, ऐसे मुठ्ठियों को मिला करके। तो सर्वाइकल स्मोलिटिस पेन होगा ही नहीं, और यदि है तो मिट जाएगा। फिर दोनों हाथ देखो सामने से मोड़ लीजिए, कोहनिया सामने मिला दीजिए, यूं बड़ा शून्य बनाइए, 5 बार बनाइए ऐसे, कोहनी से बड़ा शून्य सा बन जाता, पूरी गोलाई में कोहनी को घुमा देते, घुमाओ घुमाओ करो पूरा, सामने कोहनिया मिलनी चाहिए। अब जिनका डायमीटर थोड़ा बड़ा है उनको दिक्कत आएगी, विपरीत दिशा से करो, करो लेकिन कोशिश करो, गोलाई में घुमाओ, सामने कोहनिया मिलनी चाहिए भाई। हाँ, और नहीं मिल रही है तो थोड़े दिन प्राणायाम करना, मिलने लग जाएंगी। बड़ा शून्य बनाओ, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। एक बोले स्वामी जी, कपालभाति से तो पेट का वजन कम होता होगा ना, मेरी तो ये भुजाएं मोटी मोटी हो रही है, इनका क्या करूं, इन माताओं की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर थाएं पटक छिप से मोटे मोटे हो रहे हैं, मैंने कहा जब बढ़ाया था तब कोई यहाँ इंजेक्ट किया था क्या, गया तो पेट में ही था सारा, जब पेट में माल गया उसी से यहाँ बढ़ा और उसी से यहाँ बढ़ा, तो पेट को हिला ठीक हो जाएगा। दरअसल बीमारी कोई यहाँ वहाँ नहीं बढ़ती है, वो तो एक सिस्टम डिस्टर्ब होता है, वो सिस्टम ठीक हो गया, यहाँ बढ़ा हुआ है, यहाँ बढ़ा हुआ है, कहीं भी बढ़ा हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, दाएं से बाएं, बाएं दाएं हाथ से बाएं से दाएं हाथ को ऐसे पकड़ लो, श्वास अंदर बढ़ती है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे सीखे से देखो सामने, फिर बीच में रुक जाओ, दूसरी ओर से मृदंड सीधा, दृष्टि सामने, फिर बीच में रुक जाओ, सामने देखो, फिर बीच में रुक जाओ, दूसरी ओर से, दोनों हाथ की उंगली को इंटरलॉक कर लो, सिर के पीछे बांध लो, हाथों से सिर की और सिर से हाथों की और एक दूसरे के विरुद्ध दबाओ, अब दोनों हाथ नीचे लिए, दाएं हाथ ऊपर उठा लीजिए, कान के पास कनपट्टी से लगा दीजिए हाथ को, हाथ की हथेली से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव कंपन सा पैदा होगा, छोड़ दीजिए, दूसरी ओर से श्वास अंदर भर के कीजिए, ठीक से होगा, छोड़ दीजिए, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, फिर सामने बांध लीजिए, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध एक प्रेशर देते हैं, एक कंपन सा पैदा होता अपने आप गर्दन में, उससे रिलैक्स हो जाते हैं आप, हाथ नीचे घुटनों पर, दोनों कंधे गोल घुमा दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये मुख्य 5 अभ्यास है। यदि किसी की गर्दन में बहुत ज़्यादा दुखती हो तो गर्दन को भी दाएं बाएं घुमा कर लेना है, ऐसे गर्दन में ज़्यादा दर्द हो तो आगे नहीं झुकाना गर्दन को, पीछे और दाएं बाएं ऐसे करना, जिनको सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा है और स्वस्थ हैं तो ऐसे 3 बार गर्दन को ऐसे घुमा लीजिए, 3 से 5 बार, 3 से 5 बार दूसरी ओर से ऐसे घुमा लीजिए, तो गर्दन भी स्वस्थ रहेगी, एकदम रिलैक्स, एक एक जोड़ स्वस्थ हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं ऐसी ही हैं, बिल्कुल सहज। अब देखो बिल्कुल सरल सहज तरीके हैं आसनों के, पेट के बल लेट जाएंगे सभी के, पीछे की तरफ सिर, पीछे की तरफ पैर, मंच की तरफ सिर, देखो ऐसे लेटो मकर आसन, लेट जाओ, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, देखो कोहनिया पास में, ज्यादा दूर नहीं, कोहनिया ज्यादा दूर नहीं, यूं नहीं रखना है, कुछ आगे रखते हैं, कुछ ज्यादा पीछे रखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ठोड़ी के बिल्कुल नीचे कोहनिया, कोहनिया पास में रखो, एक एक पैर को पीछे से ऐसे मोड़ो और सीधा करो, करो एकदम सिंपल, धीरे धीरे पैर की एड़ी लगेगी, ज्यादा ताकत मत लगाना, ये घुटने के लिए भी अच्छा है अभ्यास, कमर के लिए भी, श्वास अंदर भरते हुए पैर को मोड़े, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा कर दें, तो और ज्यादा लाभ हो जाता, अस्थमा में भी लाभ हो जाता इसी अभ्यास से,
देखो दोनों हाथ क्या थी ऐसे लगाते, कपोलों से उंगलियां ऐसे लगाते, फिर दोनों पैरों से एक साथ ऐसे एकदम सिंपल, पीछे से एड़ियां देखो ऐसे, लेकिन ज्यादा ताकत मत लगाना, ना लगे तो एड़ियां धीरे धीरे लग जाएंगी जैसे जैसे शरीर हल्का होता जाएगा। कुछ जोर जोर से मारते यो मारा खींच के पीछे से, ऐसे नहीं करना, आराम से ऐसे धीरे धीरे करना होता है हर एक एक्सरसाइज। ABP News आपको रखे आगे।